हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारुण क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग। तो जो हमारा क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है वो है डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होती क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज होते क्या है। तो डेवलपमेंट और डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब है कि जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, हाई लिटरेसी रेट है, जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अच्छी है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उन्हें बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। अब जो हमारा इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज क्या होते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज एन इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन ए स्पेसिफिक कंट्री। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट होना। जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा वैसे वैसे जो कंट्री है वो डेवलप होता जाएगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब जो अलग अलग आदमी के अलग अलग गोल्स होते हैं, तो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल्स। जैसे कि एक फार्मर है, फार्मर का गोल क्या होगा कि जैसे कि जो इसकी क्रॉप्स होती हैं उसका रेट उसको हाई मिले, उसकी इनकम ज़्यादा हो। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल क्या है कि जो उसकी इनकम है वो ज़्यादा हो, जो उसे रॉ मटेरियल परचेज करना है वो उसको सस्ते में मिले। तो ये है डिफरेंट गोल्स। सेकंड है अ डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। मान लीजिए एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे कि एक फार्मर है हमारे पास, तो उसका मेन गोल है कि जो उसकी क्रॉप है उसका प्राइस उसे ज़्यादा मिले। वहीं एक मिडिल क्लास एक आदमी है, वो क्या चाहेगा कि वो मार्केट से जो जब फूड ग्रेन्स परचेज करे तो उसको वो फूड ग्रेन्स कम प्राइस पर मिले। तो जब फूड ग्रेन्स का जो प्राइस है वो कम होगा तो वो फार्मर के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और जब फूड ग्रेन्स का प्राइस हाई होगा तो मिडिल क्लास के जो पीपल हैं उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि एक बंदे का गोल दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित होता है। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर गोल्स। जैसे कि जो मेन गोल होता है वो होता है इनकम का, कि हर एक बंदे की इनकम जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इनकम जो है वो सबसे मेजर फैक्टर है, लेकिन हर बार जो मनी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। अदर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो हमारी लाइफ में हमें डेवलप करते हैं, हमारी ग्रोथ करते हैं। जैसे कि मनी, जो मनी से हम हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, लाइफ किसी की लाइफ नहीं बचा सकते, हम उसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते मनी से। हम किसी की हेल्थ को इंक्रीज नहीं कर सकते मनी की हेल्प से। हम उसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं मनी की हेल्प से, लेकिन उसे हेल्थ, या फिर उसे मान लीजिए कोई बंदा मर गया है तो मनी की हेल्प से हम उसे जिंदा नहीं कर सकते। तो जो पैसा है वो हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होता, अदर नॉन मटेरियल इनपुट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब मान लीजिए हम पढ़ते हैं कि ये कंट्री जो है रिच है, ये डेवलप्ड है, ये कंट्री पुअर है, लो इनकम कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। अब इन्हें हम कैसे कंपेयर करें, तो जो इनकम है वो मेजर रोल प्ले करती है किसी भी कंट्रीज को कंपेयर करने में। तो पर कैपिटा इनकम होती है जो, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इनकी हेल्प से हम किसी भी कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं रिच कंट्री और लो इनकम कंट्रीज में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अब 2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली, उसके अकॉर्डिंग $12,696 या उससे ज़्यादा कोई भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है तो वो रिच कंट्री है, या मतलब कि वो डेवलप्ड कंट्री है। और वहीं अगर किसी कंट्री की $1,045 से कम या फिर $1,045 पर कैपिटा इनकम है तो वो लो इनकम कंट्री है, या फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इंडिया जो है वो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, उसकी 2020 के अकॉर्डिंग $1,920 है पर कैपिटा इनकम, जो एवरेज इनकम है वो है $1,920। तो मनी की हेल्प से हम किसी भी कंट्रीज को, जैसे कि पर कैपिटा इनकम या फिर GDP की हेल्प से हम किसी भी कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने बताया कि इनकम की हेल्प से किसी भी कंट्रीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, और वहीं मैंने बताया कि सिर्फ इनकम भी डेवलपमेंट में रोल प्ले नहीं करती। तो जैसे कि हेल्थ है,
एजुकेशन सिस्टम है, लिटरेसी रेट जैसे कि और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सभी अदर क्राइटेरियाज हैं जिससे हम किसी भी कंट्रीज को डेवलप और अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग में देख सकते हैं। तो पर कैपिटा इनकम, हैप्पीएस्ट कंट्री रिपोर्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ऐसे कई इंडेक्स हैं जिनकी हेल्प से जो वर्ल्ड बैंक है या फिर कोई भी रिपोर्ट निकालते हैं, इन सभी रिपोर्ट्स को यूज़ करके हम डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज को डिस्टिंग्विश करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, वो है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट होता क्या है? तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारा कंट्री है उसको ग्रोथ करना विदाउट हार्मिंग और डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारी एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, इसको बिना डैमेज किए डेवलप करना सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि हम कोल या फिर फ्यूल का यूज कर जैसे कि हम कोल फ्यूल का यूज करते हैं फैक्ट्रीज में मशीन्स को चलाने में, वहीं हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका यूज़ करके हम हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करें, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने आप और ज़्यादा निकलते रहते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिन्यू नहीं हो पाए, जो मतलब कि एक टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वाटर जो है वो रिवर्स से आता रहेगा, इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। सोलर एनर्जी को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।